Good day, everyone. Namaste, Sat Sri Akal, and Adab. Welcome to my very first video of Paras Perspective. My name is Paras, and today I want to start my first video with a very, very common topic called public etiquette. So let's start it. Following some undefined rules. दुनिया में तो ऐसे बहुत से कुछ अनडिफाइंड रूल्स हैं जो आपको बुक पे नहीं मिलेंगे बट पूरी दुनिया फॉलो करती है. एक छोटा सा एग्जांपल, मुंबई लोकल. लोगों को इस तरफ जाना होता है बट जस्ट टू गेट द सीट पहले वो चर्च गेट जाते हैं, वहां से ट्रेन खाली होती है, फिर वो इस तरफ जाते हैं. कोई भी इंस्पेक्टर आपको ये नहीं बताएगा हाउ टू गेट अ सीट बट फॉलो सब करते हैं. सो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल. बट अनदर एग्जाम्पल इज अबाउट द कैफे. लाइक कैफे है, कॉफी है, आप कॉफी लेने जाते हो और दैट्स वेरी फर्स्ट रूल ओवर देयर. आप जब ऑर्डर दे रहे हो आप पूछो हाउ दे आर, हाउ देयर डे हैव बीन. वो भी पूछेंगे आपसे, ग्रीट करेंगे एंड यू हैव टू रिस्पॉन्ड इन दैट एज वेल. सो थोड़ा सा एम्पैथी. सो दिस इज वेरी गुड. सेकंड थिंग इज मीट एंड ग्रीट. All it's always good to greet and say thank you and welcome or please. If you are requesting something, just say please. Or जब आप किसी को कुछ दे रहे हो या ले रहे हो, please don't forget to say thank you. Second point, volume control and language choice. मैंने बहुत नोट किया है पब्लिक प्लेस में जब हम होते हैं, से एग्जांपल पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कैफे में, रेस्टोरेंट में, हम फोन पे या लोगों से बहुत तेज तेज हिंदी में बात कर रहे होते हैं या अपनी नेटिव लैंग्वेज में बात कर रहे होते हैं जो कि नॉर्मल पब्लिक को नहीं समझ आ रहा होता क्योंकि इट्स नॉट देयर फर्स्ट लैंग्वेज या इंग्लिश नहीं है. तो दे माइट गेट ऑफेंडेड कि यार ये क्या बातें कर रहे हैं, हमें नहीं समझ आ रहा, ये हमारी बुराई तो नहीं कर रहे या हमें गाली तो नहीं दे रहे. सो समथिंग आई हैव नोटिस कि अगर हम थोड़ा सा कंसिडरेट हुए और अगर हम पब्लिक में हैं तो अगर इंग्लिश में बात कर सकें ताकि सबको समझ आ जाए हम क्या बात कर रहे हैं, नॉर्मल घर की बात कर रहे हैं, वॉट एवर इट इज. और अगर हम नहीं कर सकते तो शायद वॉल्यूम थोड़ा नीचे कर ले ताकि अगले बंदे को थोड़ा सा डिसरिस्पेक्टफुल ना लगे. सो दिस इज वन ऑफ द पॉइंट आई एम जस्ट थिंकिंग लाइक इफ यू कैन वर्क टूवर्ड्स इट दैट्स इट. द नेक्स्ट पॉइंट इज एस्केलेटर एटिकेट्स. हाउ, लेट मी एक्सप्लेन यू, कम विद मी. आई एम इन ऑस्ट्रेलिया, मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ तो यहाँ पे क्या होता है, इफ यू आर एस्केलेटर, अगर आप चल नहीं रहे हैं, इफ यू नॉट वॉकिंग, ऑलवेज स्टे एट द लेफ्ट. ओके, क्यों? द रीजन इज इफ समवन वांट्स टू पास यू, किसी को पास करना है तो वो राइट से पास करेगा. सो इट्स अ बेसिक मैनर्स. लुक एट द पीपल ओवर देयर, दे ऑल आर एट लेफ्ट एंड वेटिंग ताकि कोई पास कर जाए. अभी कोई पास नहीं कर रहा बट दिस इज हाउ इट वर्क्स इन ऑस्ट्रेलिया. एवरी कंट्री माइट बी डिफरेंट लाइक बट एटिकेट्स होते होंगे, कोई राइट में होगा, कोई लेफ्ट में होगा, डिपेंड्स ऑन द कंट्री. सो या, दैट्स द थिंग. थर्ड पॉइंट, स्टेयरिंग. वी ऑल नो दिस. प्लीज़ 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 गाइस, लोगों को घूरना बंद करो. मैं ये नहीं कह रहा कि आप सिर्फ लड़कियों को घूर रहे हो, बींग इट लड़की, लड़का, अंकल या आंटी या कोई खा रहा है. आई हैव नोटिस अ लॉट, हम इंडियंस घूरते हैं लोगों को. कभी कभार ऐसा भी होता है कि यार लोग मुझे भी घूर रहे होते हैं. आई ऑलवेज वंडर कि रीजन क्या है. इज इट लाइक समथिंग इंटरेस्टिंग समवन इज डूइंग और वेरी इंट्रीगिंग और लाइक आई रियली वांट टू नो. कमेंट डाउन बिलो ऑन दिस वीडियो, आई वांट टू नो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस थिंग. बट लेट मी टेल यू वन थिंग, जब आप किसी को घूरते हो दैट पर्सन इज ऑलवेज गेटिंग अनकंफर्टेबल. थोड़ा सा डिसकंफर्ट जोन में चले जाता है वो बंदा कि यार कुछ गलत मैंने तो नहीं पहना हुआ यहाँ, लाइक व्हाट आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग जो कि लोग मुझे घूर रहे हैं. ठीक है, कोई अच्छा दिख रहा है, एप्रिशिएट करो उसको, हॉट दिख रहा है, अप्रिशिएट करो, बट घूरना इज समथिंग व्हिच गोज इनटू नेगेटिव साइड. सो प्लीज गाइस, लेट्स डिस्कस अबाउट दिस थिंग एंड एड्रेस दिस इश्यू. बी माइंडफुल इन पब्लिक प्लेसेस. In public places, I have realized a lot. We are always stuck on our phone. हम फोन पे हैं, घुसे पड़े हैं या हम फोन पे बात कर रहे हैं. We don't know. We are not conscious about our surroundings. हम यहाँ ऑस्ट्रेलिया में लेफ्ट साइड चलते हैं बट हम राइट साइड पे चल रहे हैं, टकरा रहे हैं लोगों से या चलते चलते एकदम से रुक गए एंड पीछे वाला बंदा आपसे ठुक गया. Like, you know, all these things. Please, please, please be very mindful of your surroundings. Conscious रहो आस पास क्या चल रहा है. रेड लाइट है, रुक जाओ, या पब्लिक में कितना ज्यादा पेडेस्ट्रियन स्पेस है, पूरी स्पेस लेके मत चलो एंड जस्ट गो विद द फ्लो एंड गो विद द पब्लिक. सो गाइस, टू समराइज दिस पॉइंट, हमेशा पब्लिक में पेडेस्ट्रियन पे देखो, भीड़ को समझो, कितनी पेस से चल रहे हैं, कितनी स्पेस है, उस हिसाब से एडजस्ट करो, अपनी बस धुन में मत रहो यार. नेक्स्ट पॉइंट, होल्डिंग द डोर एंड क्यूइंग.
इट्स अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस हियर टू होल्ड अ डोर फॉर समवन. लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ. आप अपनी बिल्डिंग में हो, ऑफिस में हो, जा रहे हो, पास कर रहे हो, डोर ओपन कर रहे हो, ऑलवेज चेक आउट आपके पीछे कोई है जो कि आपके साथ पास कर रहा है. इफ यस, होल्ड द डोर ताकि उसके मुंह पे ना लगे. पता लगा ऑटोमेटिक डोर शट डाउन है, आपने छोड़ दिया डोर, बंदा आ रहा है उसके मुंह पे लगा. इट्स डिसरेस्पेक्टफुल. इट्स अ वेरी कॉमन थिंग. इंडिया में मैंने अब बहुत देखा है. पीपल हैव स्टार्टेड टू रियलाइज टू होल्ड द डोर. सो दिस इज वन ऑफ द प्रैक्टिस. सेकंड थिंग इज वी ऑल नो दिस थिंग, इंडियंस आर वेरी गुड इन ब्रेकिंग द क्यू. प्लीज बी पेशेंट हियर. यहां पे इतनी भीड़ नहीं होती है आउटसाइड, होती भी है तो सब लाइन में खड़े हैं. प्लीज डोंट ब्रेक द क्यू. लाइन में खड़े हो, आपका नंबर भी आएगा. ऐसा नहीं है कि जो लाइन तोड़ रहा है उसका नंबर पहले आ जाएगा, उसको पीछे भेज दिया जाएगा. और हमको तो वैसे ही जज करते हैं, इंडियन फेस है, लाइन तोड़ रहे हैं. व्हाट एल्स यू कैन एक्सपेक्ट? डिस्क्रिमिनेशन या रेसिज्म? सो प्लीज लेट्स अवॉइड दैट थिंग. गाइस, नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हिच इज प्रॉपर पार्किंग. नेवर एवर पार्क लाइक दिस. लेट मी शो यू. ऐसे कभी भी पार्क नहीं करना है. लाइन के पीछे हमेशा पैरेलल पार्किंग होती है, क्योंकि लाइन के बाहर अगर किया लिमिटेड स्पॉट्स होते हैं, लिमिटेड पार्किंग होती है. दूसरी गाड़ी आएगी वो यहाँ पे पार्क नहीं कर पाएगी. और क्या होगा, बड़ा सा स्टिकर लगा देंगे यहाँ पे, मेरी बेइज्जती करेंगे कि देसी है, पार्क नहीं करना आता, पता नहीं कहाँ से आ गए हैं. सो प्लीज रिमेंबर, ऑलवेज पार्क इन द लेन. So we are back here again, and that was the wrap of our very first video of Paras Perspective. Remember one thing, this channel is all about positive vibes, creativity, learning new things, and having an open discussion. Please like, subscribe, and share this channel. Until then, we'll be bringing a new video to you. See you again. Bye.